Hello, students. Later, we are, uh, we were uh, studying at chapter sixteen, Indian government, in, the, in Indian government. Uh, you were studying about the constitution. the I want to tell you about uh, here uh, what is constitution is. So. Uh, इन ब्रीफ uh, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लें कि हम लोग uh, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत छोटा सा सेक्शन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझाया हुआ है बट हेयर आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है सो लेट्स रीड द चैप्टर रीड दिस लाइन्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेट्स गो थ्रू इट दिस इज वॉट

The Constitution of India is the supreme law of India. The document lays down the framework de uh, demarcating fundamental political code, structure, procedures, powers, and duties of the government institutions and sets out fundamental rights, directive principles. सो बेटा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया मतलब ये सबसे बड़ा जो लॉ है दैट वो किसके अंदर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है हमारे इंडिया का द डॉक्यूमेंट लेज्ड डाउन द फ्रेमवर्क अब हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है वो हमारा एक फ्रेमवर्क दे देता है आपको एक ओवरव्यू uh, दे देता है इससे कि आप एंड ड्यू डिमार्केटिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड स्ट्रक्चर प्रोसीजर्स पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट Uh, institutions एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स डायरेक्ट प्रिंसिपल्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स यानी कि इसके अंदर आपका सब कुछ इन्वॉल्व है इनमें इसके अंदर सब कुछ इन्वेल्व है आप इसके अंदर देख सकते हैं पढ़ सकते हैं जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे दैन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इज क्या बताना चाहता है हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के थ्रू हम क्या हमको क्या समझाना चाहते हैं यू कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड डेट द प्रियम्बल वॉज अमेंडेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अब प्रियम्बल के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं जो भी बदलाव है वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू है उसका जो एक्ट है दैट इज इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स वैन इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर जब हमारे इंदिरा गांधी जो नहीं है हमारी प्राइम मिनिस्टर थी तब इसके अंदर कुछ जो भी अमैंडमेंट हुए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब किए गए थे द फॉलोइंग चेंजेस वॉर मेड अब चेंजेस क्या थे सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रिप्लेस द फ्रेज सॉवेरेन अब जो पहले इस तरह से जो एक पूरा एक दिया हुआ था लाइन दिया हुआ था दैट सॉवरिन सोशलिस्टिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसको रिप्लेस कर दिया गया था किस फ्रेज uh, के साथ में दैट वॉज डन विद सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस तरह से इसको फिर uh, उसके अंदर चेंजेस आया था एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन रिप्लेस यूनिटी ऑफ द नेशन अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी द नेशन की जगह चेंज किया गया था यूनिटी ऑफ द नेशन अब जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या स्टेट करता है क्या बताता हमें इसके अंदर देखिए बेटा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू ए सॉवरन सिक्योर सिक्योलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी कि आपका जो जस्टिस जो मिलेगा वो आपको सोशली भी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली भी आपको जस्टिस मिलेगा लिबर्टी लिबर्टी में क्या लिबर्टी ऑफ थाट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप अब लिबर्टी किस चीज़ के लिए कि आप सोच सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज़ को बिलीफ मतलब जो आपका विश्वास है जो फेथ uh, है जो वर्शिप यानी पूजा पाठ सब चीज़ें इन सब चीज़ों के लिए आपको पूर्ण uh, स्वतंत्रता मिलेगी लिबर्टी मिलेगी इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉरचुनिटी एंड टू प्रोमोट एमंग दैम ऑल और ये जो इक्वालिटी की यहाँ पर बात की गई है उसका मतलब ये है कि आप सभी के साथ में इक्वली वर्क कर सकते हैं इक्वली अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं आप इक्वली आप मतलब सभी से एक साथ मिलकर बैठ कर बात कर सकते हैं तो ये जो इक्वलिटी यानी समानता की भावना भी सबके अंदर रहेगी फ्रैटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ़ द इंडिविजल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इसलिए और जो फ्रेडनिटी है मतलब उसमें जो डिग्निटी है इंडिविजअल की और जो यूनिटी एंड इंटिग्रिटी ऑफ देश नेशन, नेशन मतलब जो भी लोगों के अंदर जो एकता की भावना है मतलब इन सब चीज़ों को आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है कि आप उस चीज आप अपने हिसाब से अपना आ, उस काम को कर सकते हैं और आ, कुछ जो रूल्स रेगुलेशन जो इसके अंदर बना दिए गए हैं उसके थ्रू वी डू हेयर बाय गिव टू आवर सेल्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए उसके बाद ये कहा जाता है कि इसलिए हम अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्र मतलब देते हैं हम इसके थ्रू हम लोग वर्क करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्टिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन नवम्बर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोर्टी नाइन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो uh, हमारा छब्बीस नवम्बर uh, को नाइनटीन फोर्टी नाइन में uh, uh, लिया गया अडॉप्ट किया गया था एंड इट केम इन टू फोर्स ऑन और जब इसको फोर्स में कब लाया गया ऑन जनवरी ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी जनवरी ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली राजेंद्र प्रसाद जो जी जो थे वो चेयरमैन थे असेंबली के एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे वो हमारे वो चेयरमैन थे किसके ड्राफ्टिंग कमेटी के ये देखिए बेटा दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज बीन यू कैन सी है एवरी थिंग इज बिन रिटर्न एयर विद द पीपल ऑफ़ इंडिया हैविंग सलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आप ये पूरा डिटेल में इसको आप पढ़ भी सकते हैं जो इसके अंदर हमारा दिया हुआ है so, सो इससे आपको समझ में आएगा कि जैसे हम लोग कहते हैं रूल्स सेट ऑफ रूल्स एंड ऑल वो क्या है वो यही है इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि वाई we were uh, studying this constitution in, of india in indian government in our chapter 16 so uh, this is what we have studied over here okay then students this was this is what i want to explain you here so bye bye and take care